Hello students, welcome back. This is Rajkumar Yadav and now we are going to continue. This is question number 72. How did nationalism develop through culture in Europe? Explain, 3 marks. So, Europe ke andar nationalism kaise develop hua tha? Culture ke raaste Europe mein nationalism kaise develop hua tha? Wo hume explain karna hai. Ye aur ek question hai iske option mein. How did Paul Bernard argue in favor of ये फेवर की स्पेलिंग रॉन्ग है एफ ए वी ओ यू आर आएगा ओके सॉरी फॉर दिस टाइपिंग मिस्टेक चिल्ड्रन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वियतनाम एक्सप्लेन तो कैसे पॉल बर्नार्ड ने जो वियतनाम की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके फेवर में कैसे आर्ग्यूमेंट अपने पेश किए थे वो एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारा क्वेश्चन ऊपर वाला ठीक है कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म कल्चर के जरिए कैसे डेवलप हुई थी इसका आंसर यहां से स्टार्ट होता है द मूवमेंट ऑफ Romanticism fostered a sense of nationalist sentiment among the European people. तो जो movement था romanticism का जो movement था उसके वजह से European लोगों के मन में एक sentiment develop हुआ था वो sentiment था nationalist sentiment अपने देश को लेकर Through its focus on emotions, intuition and mythical feelings, romanticism underlined the importance of the shared culture heritage of the people. एंड एस्पाउज द आइडिया ऑफ अ नेशन अब इस मूवमेंट में एक्चुअली हुआ क्या था इस मूवमेंट का मेन फोकस था इमोशंस के ऊपर इंट्यूजन के ऊपर इंट्यूजन मतलब एक फीलिंग होती है किसी भी इंसान के मन में भले उसको उसका नॉलेज हो या ना हो या फिर ऐसा कुछ होता है उनके मन में ऐसा होता है जब कभी भी कि हाँ ये सच है ये गलत है या फिर ये सही है ये गलत है जब अंदर की आवाज आती है उसको बोलते हैं इंट्यूजन ओके और माइथिकल जो फीलिंग्स होती वो इन्हीं के जरिए रोमांटिसिज्म ने क्या किया रोमांटिसिज्म ने एक इंपॉर्टेंस दिखाई कि एक शेयर्ड कल्चर शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज जो होता है ना लोगों का लोगों के बीच में एक शेयर्ड कल्चर की भावना वो बता दी और इसी की वजह से जो एक देश का आइडिया होता है ना कि हाँ एक देश कैसा होना चाहिए उस आइडिया को जन्म दिया फॉक कल्चर टू ब्रॉड पीपल विद द सेम कल्चरल हेरिटेज टूगेदर फॉक डांसेस एंड फॉक टेल्स ऑफन बिकेम सिंबल्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी तो फॉक कल्चर ने भी लोगों को एकजुट किया कैसे लोग ऐसे लोग जिनका एक ही कल्चर कल्चरल हेरिटेज एक जैसी है उन लोगों को एक किया और फॉक डांसेस और जो फॉक टेल्स होती है ये भी एक देश की आइडेंटिटी का सिंबॉल बन गए नेक्स्ट पॉइंट लैंग्वेज पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इन द सेंस दैट इन पोलैंड When the Russian Empire imposed the Russian language in schools, the use of Polish came to be seen as an act of defiance against imperial dominance. So, language ने भी कई बार एक nation के idea को, concept को popularize किया था. कैसे? जैसे Poland की अगर बात करें, तो Poland में जब Russian Empire वहाँ पे था ना, उसने कब्जा किया हुआ था, तो Russian Empire ने जब ये लागू कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ Russian language बोली जाएगी schools में तो वहां की जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी पॉलिश लैंग्वेज उसको भी देखा गया एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस अगेंस्ट इंपीरियल डोमिनेंस मतलब लोग ये समझते थे कि हाँ मुझे अगर रशियन एम्पायर का अपोज करना है तो मैं अपने देश की ओरिजिनल लैंग्वेज बोलूंगा ना कि रशियन लैंग्वेज ठीक है तो जो लोग इसके खिलाफ थे रशियन एम्पायर के खिलाफ थे वो लोगों ने रशियन लैंग्वेज के बदले पॉलिश लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट कर दिया था ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं Hence, in these myriad ways, nationalism developed through culture in Europe. तो इसी तरीके से nationalism Europe के अंदर develop हुआ through culture. अब और में जो answer था वो था Paul Bernard ने कौन से अपने argument दिए थे Vietnam को develop करने के लिए कि Vietnam की economic development के लिए Paul Bernard ने ऐसा क्या कहा था वो सब देखेंगे इसमें ठीक है So Paul Bernard argued that the French government should make explicit efforts to develop the Vietnamese economy. He made the case that if the economy was developed and the standard of living was raised, the Vietnamese people would purchase more goods. So सबसे बड़ा point बच्चों ये है first point. Paul Bernard ने बोला था कि French government को काफी दम लगाना चाहिए अपने तरीके से honestly effort करना चाहिए ताकि वो वियतनाम की इकोनॉमी को डेवलप कर सके
और उसने बताया था कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी डेवलप होती है, अगर यहाँ की इकोनॉमी डेवलप होती है, यहाँ के लोगों का अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर आप बढ़ा देते हो, तो यही वियतनामीज लोग आगे जाके हमारे पास से सामान खरीदेंगे, राइट? और वहां पे किसका सामान बिकता था? फ्रेंच लोगों का सामान बिकता था ना। अगर वियतनामीज लोगों के पास पैसा आ गया, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो गया, तो ये लोग उस पैसे को यूज कहाँ करेंगे? फ्रेंच लोगों के पास से सामान खरीदने में, उनके पास से सर्विसेज खरीदने में, राइट? दिस वुड एक्सपांड द मार्केट ऑफ फॉर फ्रेंच बिजनेसेस एंड रिजल्ट इन प्रॉफिट्स। इसके वजह से क्या होगा? फ्रेंच के जो बिजनेस हैं, उनका मार्केट एक्सपांड हो जाएगा, उनके नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत बढ़ जाएंगे और अंत में उनको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट फैक्टर्स लाइक आउटस्टैंडिंग पीजन डेट, हाई पॉपुलेशन एंड लो कल्चरल प्रोडक्टिविटी वर मेजर हिंड्रेंसेस इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वियतनाम एंड द फ्रेंच गवर्नमेंट शुड कैरी आउट लैंड रिफॉर्म्स इन ऑर्डर टू काउंटर दिस हिंड्रेंसेस। एक और बात बहुत जबरदस्त बात इन्होंने बताई थी कि कुछ बातें हैं जो हमें ओवरकम करनी पड़ेगी, वियतनाम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें ओवरकम करनी पड़ेगी। क्या ये प्रॉब्लम्स है? कि वहां के फार्मर्स के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, वहां की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और ये लोग इस पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी उगाते हैं, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वहां पे होती है, वो बहुत कम है। ये तीन मेन कारण है जिसके वजह से वियतनाम की जो ग्रोथ है, इकोनॉमी की ग्रोथ, उसमें बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है? ऑब्स्टेकल की तरह ये तीनों फैक्टर्स काम करते हैं। इन ऑब्स्टेकल्स को दूर करना पड़ेगा और फ्रेंच गवर्नमेंट को इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको लैंड रिफॉर्म्स लाना चाहिए ताकि ये तीनों तीन जो हिंड्रेंस है, आउटस्टैंडिंग पीजेंट डेट, हाई पॉपुलेशन और लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इनको दूर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 73, हाउ डू बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया? एक्सप्लेन। इट्स अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बताना है कि बैंक का क्या रोल होता है, बैंक कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी कंट्री के इकोनॉमी में। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, जब रोल ऑफ बैंक पूछा गया तो इसमें क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। देखो, बैंक का सबसे बड़ा और सबसे मेन काम क्या था सबसे पहले से, कि पब्लिक के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको वो पब्लिक डिपॉजिट करती थी बैंक में, तो इसी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने का काम ये कॉमर्शियल बैंक करती है। इनका मेन मकसद, मेन जो काम है वो ये है, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल हु हैव सरप्लस अमाउंट एंड प्रोवाइड लोन्स टू इन्वेस्टर्स हु आर इन नीड। तो बैंक यही काम करती है ना, जिनके पास में ज्यादा पैसा है और वो लोग अपना ज्यादा पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा है, उसको डिपॉजिट करते हैं बैंक में, और बैंक क्या करती है, इन्हीं सारे पैसे को कलेक्ट करके उन लोगों को लोन देती है जिनको जरूरत है, ठीक है? उन इन्वेस्टर्स को लोन देती है जिनको उसकी जरूरत है। दस दे एनकरेज सेविंग्स एंड प्रमोट प्रोडक्शन एक्टिविटीज बाय इन्वेस्टिंग देम। इसीलिए लोग क्या एनकरेज करते हैं, कि लोग सेविंग ज्यादा से ज्यादा करें और इसी पैसे को हम यूज कर सकें प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। कोई बिजनेसमैन है, उसको 5 लाख की जरूरत है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, तो वो किसकी हेल्प मांगता है? गवर्नमेंट की हेल्प मांगता है ना। इसीलिए गवर्नमेंट इस तरह के इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं, इस तरह के बिजनेसमैन को हेल्प करते हैं, ताकि वो लोग अपनी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को और भी बढ़ा सके। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक्स एडवांस लोन्स टू बिजनेस पर्सन्स, फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, मनी एट कॉल एक्सेट्रा आर द लोन्स एडवांस्ड बाय बैंक्स। सो बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स जिनको लोन देते हैं वो किस किस टाइप के लोन होते हैं और किन किन कैटेगरी के लोगों को ये लोन देते हैं? देखो, एक तो ये बिजनेस वालों को लोन देते हैं जो बिजनेस करते हैं छोटा मोटा उनको, या फिर बड़ा बिजनेस। फार्मर्स को भी लोन की जरूरत पड़ती है और कंज्यूमर्स को भी लोन की जरूरत पड़ती है ना। तो ये बैंक्स लोन प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन बैंक्स को सामने से क्या चाहिए होता है, उसके हिसाब से एक सिक्योरिटी चाहिए होती है। बैंक को एक सिक्योरिटी चाहिए होती है जिसके बेस पे वो दूसरों को लोन प्रोवाइड कर सके। अभी किस तरह के लोन होते हैं, देखो, एडवांस में पैसा दे दिया, मतलब कैश क्रेडिट कर दिया, ओवरड्राफ्ट कर दिया, ठीक है? ये ओवरड्राफ्ट भी एक फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड करती है। शॉर्ट टर्म के लोन्स दे दिए, फिर कहीं पे भी बिल ऑफ एक्सचेंज है कुछ, उसमें डिस्काउंटिंग कर दिया, और मनी एट कॉल, इसके बारे में जरा देख लेना, मनी एट कॉल मीन्स वॉट, डोंट नो दैट, ठीक है? तो
तो ये सारे अलग अलग टाइप के लोन्स होते हैं जो बैंक्स देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑल्सो हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस कैपिटल फ्रॉम रीजन्स वेयर इट इज अबंडेंट टू दोज प्लेसेस विच हैव अ स्कैर्सिटी ऑफ फंड्स। अब बैंक ये वाला काम भी करती है, देखो जहां पे ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा पैसा है, उन इलाकों में से पैसा इकट्ठा करके वहां पे भी ट्रांसफर करती है जहां पे पैसे की कमी है। बैंक्स प्रोवाइड कंसेशनल लोन्स टू प्रायोरिटी सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रिटेल, ट्रेड, एक्सपोर्ट एक्सेट्रा। तो बैंक्स कंसेशन वाले लोन्स भी प्रोवाइड करती है प्रायोरिटी सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल, इन सबको भी ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। लास्ट पॉइंट, बैंक्स प्रोवाइड सर्विसेज सच एज कलेक्शन एंड मेकिंग पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स सच एज इंश्योरेंस प्रीमियम, डिविडेंड्स एक्सेट्रा। तो बैंक्स अपना कुछ कुछ सर्विस ऐसी भी प्रोवाइड करती है जहां पे कस्टमर को वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना नहीं पड़ता, और बैंक कलेक्शन का भी काम करती है। बैंक कस्टमर के तरफ से पेमेंट भी करती है, जैसे कस्टमर ने किसी भी बीमा कंपनी में अपना इंश्योरेंस खुलवाया है तो उस इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के लिए भी इंसान को खुद जाना पड़ता है, पहले ऐसा होता था, अब बैंक्स ने इसको भी आसान कर दिया है। बैंक उनके अकाउंट से ऑटोमेटिकली उन्होंने जितना बताया है उतना हर हर महीने में जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम, उसको बैंक उनके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली पे करवा देती है, राइट। या तो डिविडेंड्स होते हैं, ये सब उनको मिल जाता है, ये ऑटोमेटिक काम ऑनलाइन हो चुका है, अब किसी इंसान को फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे जहां पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल है उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 74, एक्सप्लेन द प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्टेड बाय द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज। तो बच्चों ये जो NTPC के बारे में है ये आपके टेक्स्ट बुक में बॉक्स में दिया गया था, इसके ऊपर भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, ये बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे मैंने बनाया है, इट्स अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि NTPC की तरफ से कौन सी ऐसी अच्छी बात है, उन्होंने कौन सा ऐसा प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाया है ताकि वो नेचुरल एनवायरमेंट और रिसोर्सेज को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके। सो आंसर बिगिंस लाइक दिस, द कॉर्पोरेशन हैज टेकन मैनी स्टेप्स टू प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज इन इंडिया सच एज। ऐसे कौन कौन से स्टेप्स इन्होंने लिए हैं, फर्स्ट स्टेप, NTPC हैज बीन यूजिंग द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड हैज अपग्रेडेड इट्स एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स, दिस हैज हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ मैनी रिसोर्सेज। सो NTPC ने अपनी जितनी भी जो भी टेक्निक्स पहले यूज करते थे अब वो टेक्निक यूज नहीं करते, अब ये लोग लेटेस्ट टेक्निक यूज करते हैं और जो पहले के इक्विपमेंट थे उनको भी इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। इसके वजह से काफी सारे रिसोर्सेज में जो भी कचरा इकट्ठा होता था ना वो अब वेस्टेज अब काफी कम हो गया है। सेकंड पॉइंट, इट हैज बीन एबल टू मिनिमाइज द जनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स बाय मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ ऐश। ऐश का मतलब क्या होता है, राख, हिंदी में उसको राख बोलते हैं। कोई भी चीज अगर जैसे कि लकड़ी की कोई लकड़ा है मान लो, अगर वो पूरी तरीके से जल गया है तो उसकी जो ऐश बचती है ना राख, उसका भी यूज होता है। कैसे, देखो अब उसी अगर राख को NTPC अपने तरीके से अच्छे से यूज कर रहा है तो इससे पोल्यूशन कम होगा, और पोल्यूशन कम होगा तो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होगा और नेचुरल रिसोर्सेज बच पाएंगे। तो इसने क्या किया, ऐसा इसने जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है ना उस वेस्ट मटेरियल को कम कर दिया है। कैसे कम किया, इन्होंने जो ऐश होती है राख उसको भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। थर्ड पॉइंट, इट हैज बीन मेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बाय लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स। सो इन्होंने अपने काफी एफर्ट्स लगाए हैं ताकि वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम कर सके। कैसे कम करेंगे, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका अपनाया है और ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स भी इन्होंने इंस्टॉल किए हैं। फोर्थ पॉइंट, NTPC सुपरवाइज भी करती है और रिव्यू भी करती है, क्या, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ द सराउंडिंग एरियाज वेयर इट्स पावर स्टेशंस आर लोकेटेड। तो NTPC के जहां पे भी पावर स्टेशंस लोकेटेड होते हैं वहां पे वो सुपरवाइज करती है और जितने भी इकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, मतलब इकोलॉजिकल फैक्टर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल रिलीज्ड, ये सब थोड़े बहुत इकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, तो वो अपने आसपास के एरियाज में जहां पे भी उसके पावर स्टेशंस लोकेटेड हैं
वैसे एरियाज में सुपरविजन का काम, रिव्यू करने का काम एनटीपीसी करते हैं। लास्ट पॉइंट इज आंसर का, इट हैज लेड डाउन ग्रीन बेल्ट्स टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन द रीजंस सराउंडिंग इट्स पावर स्टेशंस। अब एनटीपीसी ने एक और अच्छा काम किया है, बहुत सारे मतलब इन्होंने पेड़ लगाए हैं, जहां पे भी जिस एरिया में भी पावर स्टेशन है उस एरिया में इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वहां पे काफी हरियाली बना दी गई है, मतलब वहां पे काफी पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं। ग्रीन बेल्ट का मतलब होता है ऐसे एरिया जहां पे बहुत सारे पेड़ लगाए गए हों। ओके, नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स हैज बीन एडवांटेजियस टू कंज्यूमर्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल्स। अब इस तरह के स्टेटमेंट आपको बहुत सारे टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वो स्टेटमेंट तो करके जाओ जो स्टेटमेंट बोर्ड की एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गए हैं। ओके, इनको तो कभी मत छोड़ना बच्चों। तो ये स्टेटमेंट है कि ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा कॉम्पिटिशन की वजह से प्रोड्यूसर्स के बीच में जो ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा कॉम्पिटिशन हुई है, ये इससे किसको ज्यादा फायदा पहुंचा है? कंज्यूमर्स को ज्यादा फायदा पहुंचा है। आपको ये एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल दे के। सो फर्स्ट लाइन इसकी, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स हैज बीन एडवांटेजियस टू कंज्यूमर्स एज फॉलोज। सो ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा कॉम्पिटिशन की वजह से कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचा है। कैसे? फर्स्ट पॉइंट यहां पे देखेंगे, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडियन मार्केट बाय एमएनसीज हैव लेड टू ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय इंक्रीज्ड प्रोडक्शन इन मैनी फील्ड्स सच एज ऑटोमोबाइल, सेलफोन, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, गारमेंट्स एक्सेट्रा। एमएनसीज हैव गिवन वास्ट चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स। सो हमारे इंडियन मार्केट में अब बाहर की जो बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी है वो अब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसके वजह से इंडियन इकोनॉमी भी काफी ग्रो की है। और इंडियन इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी? जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा ना, हर फील्ड में, बहुत सारी फील्ड में प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा है, जैसे ऑटोमोबाइल में, सेलफोन में। अब सेलफोन का ये सिंपल अगर एग्जाम्पल ले लो, तो आज से 10 साल पहले इंडिया में मोबाइल की कंपनीज बहुत कम थी, गिनी चुनी 2-4 कंपनी ही थी। और अब अगर आप देख लो तो मोबाइल की इतनी सारी कंपनी, इतनी सारी वैरायटीज आ गई हैं कि कस्टमर के पास अब बहुत सारा चॉइस है, बहुत सारी चॉइस है उसके पास में। सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, फास्ट फूड है, गारमेंट है, ये सारे नए नए मॉल शॉप्स बाहर की एमएनसीज भी यहाँ पे खोलते हैं, अपनी फैक्ट्रीज डालते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। एमएनसीज के वजह से कंज्यूमर को अब बहुत सारे चॉइसेस मिलने लगे हैं, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए काफी सारे चॉइसेस मिल जाते हैं। सिंपल एग्जांपल, अगर आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हो, किसी भी अच्छे खासे शॉपिंग मॉल में, तो वहां पे आपको चॉकलेट्स की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, राइट? फूड प्रोडक्ट्स की भी काफी सारी वैरायटी मिलेगी, अलग अलग कंपनीज। तो वही तो फायदा हुआ है हम लोग को। सेकेंड पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन हैज ओपन न्यू एंड मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज इन द सर्विस सेक्टर, एस्पेशली द आईटी कंपनीज। These companies have offered their cheap but efficient consulting services to many nations. This has also created millions of jobs in India. अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं, वो कंपनीज जो सर्विस सेक्टर में है ना, जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए, खासकर जो आईटी कंपनीज हैं, इनको बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है। क्योंकि आईटी कंपनीज क्या करती है? आईटी कंपनीज बहुत सारे देशों के बिजनेसमैन को, बिजनेसेस को अपने तरफ से कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सस्ते दाम में और एफिशिएंट, अच्छी कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और जिसके वजह से इन बड़ी बड़ी कंपनियों में, इन बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में लाखों जॉब्स निकल के आए हैं इंडिया में। लास्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट हैव हेल्प्ड पीपल टू कम्युनिकेट विद each other despite being living in the different geographical locations. This has also helped various companies in administering and expanding their business in many countries located in different time zones. देखो, जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस आती जाती हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशंस के फील्ड में, कंप्यूटर के फील्ड में, इंटरनेट के फील्ड में, अभी इंडिया में 4G चल रहा है, ठीक है, अब कुछ ही महीनों में शायद 5G भी आ जाएगा। तो इस तरह से जो इनोवेशन होती रहती है ना, एडवांसमेंट होता रहता है टेक्नोलॉजी का, तो इससे
अलग अलग रीजन में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाता है और बहुत सारी कंपनीज को काम करने में बहुत आसानी हो जाती है और वो अपने बिजनेस को एक्सपांड भी कर पाते हैं। अलग अलग कंट्री में अगर बिजनेस खोलना है, अलग अलग टाइम जोन में बिजनेस खोलना है तो भी एक्सपांड हो जाता है। जैसे इंडिया में जो टाइम जोन है उसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, राइट। अब हमारा टाइम और जो यूके का टाइम है, जो यूनाइटेड किंगडम का जो टाइम है, उनमें काफ़ी गैप है ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स हो गए। हमारा जो टाइम जोन है वो 5.5 घंटे ज़्यादा है, 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं एज कम्पेयर टू यूके, लंदन, जो भी कुछ कहें आप उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का जो बिजनेसमैन है वो यूके के साथ भी बिजनेस कर सकता है, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी दैट वी आर हैविंग इट। लास्ट पॉइंट, आउटसोर्सिंग इज द मेजर आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। मैनी MNCs आर आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज टू इंडिया एट चीपर रेट्स विथ मॉडरेट एक्यूरेसी। इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इंडिया हैज प्रोवाइडेड ग्लोबल आउटसोर्सिंग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर एट लो वेज रेट्स। इन इंडिया आउटसोर्सिंग हैज जनरेटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जो सबसे बड़ी बात हुई है ना इंडिया में ग्लोबलाइजेशन को लेके, वो है आउटसोर्सिंग। कई सारी जो बड़ी बड़ी MNCs होती हैं वो अपनी आउटसोर्सिंग, अपने कुछ कुछ सर्विसेज को आउटसोर्स कर देती हैं। मान लो सिंपल कस्टमर सर्विस है, तो USA की Amazon कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब ये लोग मान लो अगर अपनी सिर्फ सिंपल कस्टमर सर्विस की बात अगर करते हैं, ईमेल के जरिए या फिर चैट के जरिए या फिर कॉल के जरिए, तो ये कस्टमर सर्विस का काम मान लो इन्होंने इंडिया को दिया है। अब इंडिया की पॉपुलेशन में इंग्लिश बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, दुनिया के किसी भी देश में इतनी पॉपुलेशन नहीं होगी, शायद चाइना को छोड़ के इंडिया ही नंबर 2 पे आता है जो स्किल्ड इंग्लिश लोग हैं और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी हम लोग अच्छे हैं। तो उसके हिसाब से इंडिया को काम मिल जाता है, कस्टमर सर्विस का काम USA से, US की Amazon की कंपनी है और भी बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनसे। तो यहाँ पे फायदा इंडिया को ही हो रहा है ना, इंडिया के काफ़ी सारे लोगों को काम मिल रहा है। और जो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड था 1991-92 का जो पीरियड था ना, जब इंडिया में पहली बार लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आया गया, तो इसके वजह से इंडिया को बहुत फायदा हुआ है। यहाँ पे ग्लोबल आउटसोर्सिंग बन गई है, इंडिया ने पूरी दुनिया को, अलग अलग देश के अलग अलग कंट्रीज को आउटसोर्सिंग किया है, मतलब बहुत सारा काम उनका करके दिया है। तो आउटसोर्सिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिया को कई बार मिल जाता है, इंडिया के बहुत सारे बिजनेसमैन को मिल जाता है, क्योंकि इंडिया के पास में क्या है, स्किल्ड मैन पावर है और वो भी सस्ते दाम में, कम पैसे देने पड़ते हैं। US की कंपनी है मान लो, वो किसी बंदे से काम कराती है US में और वो उसको $1 देती है मान लो, ठीक है। तो वही काम अगर इंडिया में कोई बंदा है वो जो $2 में या $3 में करके देगा, मान लो $3 में या फिर $5 में करके दे रहा है, तो भी US के बिजनेसमैन को तो फायदा पहुंच ही रहा है ना। कहाँ उसको US में उसी काम को कराने के $15 देने पड़ते और कहाँ इंडिया में वो काम सिर्फ $5 में हो जाता है। तो इसी फायदे के वजह से बहुत सारी कंपनी अपना काम आउटसोर्स करती है इंडिया में। इन इंडिया आउटसोर्सिंग हैज जनरेटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसीलिए आउटसोर्सिंग की वजह से इंडिया में नौकरियां काफ़ी सारी बढ़ गई हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू ऑल आर प्रिपेरिंग वेल, एंड थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर।